नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेज में। ये अपनी सेकंड क्लास है। हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, हमने उसमें फ्लावर की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लिया था, जिसमें एंड्रोशियम था, स्टेमन था, एंथर था और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने माइक्रोस्पोर बनाया, ठीक है, जिसको परागकण बोलते हैं, पोलिन ग्रेन बोलते हैं, क्योंकि पोलिन चैम्बर में बना था। ठीक है, वो अपना मियोसिस हुआ। उसके बाद माइक्रोगेमेटोजेनेसिस हुआ, दो न्यूक्लियस बनाए, तीन न्यूक्लियस बनाए, ट्यूब न्यूक्लियस और दो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। तो उसको वहीं रखा रहने दो, यानी उसको मेल पार्ट में रहने दो। अब हम फीमेल पार्ट की ओर पढ़ते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं फीमेल पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट होता है जो प्रोग्राम हमने वहाँ सेट किया था पूरा, वो किस में चल रहा है, इसमें। ये दो ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये वाला स्टेमन है जिसको बोलते हैं पुंकेसर। इसका पूरा प्रोसेस हमने देख लिया था। जिसने भी नहीं देखा हो वो आई बटन दबा के हमारी, या फिर नेक्स्ट वीडियो सर्च करके, या इसी चैनल में सर्च करके पहला वाला वीडियो देख लें। ठीक है, तो इसमें पूरा ये मेल वाला पार्ट है एंड्रोशियम। हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम फीमेल वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, फीमेल वाला पार्ट हम देखेंगे। चलो, तो इसमें मैंने कैलिक्स यानी बाह्य दल हटा दिए हैं, कोरोला यानी पंखुड़े हटा दिए और मेल पार्ट हटा दिया। अब हम केवल फीमेल पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फीमेल पार्ट में इतना सा है, ये फीमेल पार्ट है पूरा। ठीक है, अब देखो, फीमेल में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है कार्पल। कार्पल, कार्पल को बोलते हैं अंडप। हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी भी लिखा देता हूँ। कार्पल या अंडप गाइनोसियम की यूनिट है। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन है सबसे इम्पोर्टेंट? गाइनोसियम। गाइनोसियम को बोलते हैं जायांग। जायांग यानी मादा का, किस मादा के भाग को बोलते हैं जायांग, और जायांग की इकाई क्या होती है? कार्पल। कार्पल यानी कि अंडप। ठीक, अब देखो, जायांग में जैसे उसमें एक पुंकेसर हो सकता है, दो पुंकेसर, हजारों पुंकेसर हो सकते हैं एंड्रोसियम में, वैसे जायांग में एक कार्पल, दो कार्पल यानी मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी यानी द्विअंडपी, बहुअंडपी, आपने नाम सुना होगा, ये हो सकता है। तो हमने यहाँ केवल एक अंडप लिया है जिसको बोलते हैं कार्पल, और ये इसकी यूनिट है। अब एक फ्लावर में एक अंडप हो सकता है, ठीक है, दो अंडप हो सकते हैं, चार अंडप हो सकते हैं, वो सबको मिलाकर जायांग बोलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर जायांग में केवल एक ही अंडप का इस्तेमाल किया है, यानी कार्पल एक यूनिट ले ली। कार्पल के, कार्पल जो होता है, अगर मान लो टोटल 15 कार्पल है, यानी 15 अंडप है एक मादा फ्लावर में या फीमेल पार्ट में, 15 या 16 या 20 जितने भी आप अंडप लोगे उन सबको मिलाकर बोलेंगे गाइनोसियम या जायांग। कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर करते जाना, वरना बड़ी दिक्कत होती है बाद में। इसी के साथ बाद में जब रिप्रोडक्शन पढ़ोगे या कहीं भी टर्मिनोलॉजी आपने गाइनोसियम एंड्रोसियम सुन लिए होंगे, तो याद रखना गाइनोसियम क्या होता है, पूरा टोटल फीमेल पार्ट को गाइनोसियम बोलते हैं, उसकी एक यूनिट है कार्पल या अंडप। यहाँ तक समझ में आई? ज़्यादा भी हो सकती है, एक हो सकती है, अब एक लेके ही हम पढ़ेंगे। कार्पल के तीन भाग होते हैं। पहला स्टिग्मा, स्टिग्मा को बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका के आगे वाला भाग वर्तिकाग्र। इसके बाद होता है स्टाइल, ये जिसकी गर्दन है इसको बोलते हैं वर्तिका। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला जो ये दिखा रहा हूं मैं, नीचे वाला मटके जैसा पार्ट, इसको बोलते हैं ओवेरी या अंडाशय। ये तीन भाग किसके होते हैं? ये तीन भाग होते हैं अपने अंडप के, और यही यूनिट है गाइनोसियम की। ठीक है, यानी ये अंडप है। अब देखो, ये तीन भाग मैंने बता दिया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टिग्मा पे यहीं आते हैं, वो जो हमने बनाया था परागण, ठीक है, यहीं आके लैंड करेगा, ठीक है, यहाँ पर जर्मिनेशन होगा उसका, वो हम पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन में बात करेंगे। ठीक है,
स्टिग्मा पे ही सबसे पहले आता है, फीमेल पार्ट पे, जो इसको परागकण को ग्रहण करती है वो स्टिग्मा होती है। स्टाइल कुछ नहीं, एक गर्दन नुमा सा रचना है जो कहाँ किसको जोड़ती है, स्टिग्मा को और ओवेरी को जोड़ती है। समझ में आ गया, ये ओवेरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखो इसमें नेक्स्ट चलते हैं, ओवेरी के अंदर चलते हैं। ये ओवेरी को निकाल लो, थोड़ा मैं बड़ा डायग्राम बना देता हूँ इसका। ये ओवेरी हमने बना दी बड़ी, ये क्या है अपनी अंडाशय या ओवेरी। समझ में आ गया। अब देखो इस ओवेरी में कुछ कंपोनेंट जुड़े होते हैं, जो मान लो ये ओवेरी की दीवार है, इस पे यहाँ पर एक उभरा हुआ चिन्ह होगा, इससे एक डंठल निकलेगा और ये ऐसा जुड़ा रहेगा। एक ओवेरी में ये एक हो सकता है, एक ओवेरी में अनेक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, अलग अलग जो फैमिलीज होती है उनमें अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने केवल इस ओवेरी की बात करें तो इसमें एक बना दिया, इसमें तीन बना दिया। ये क्या बनाया है मैंने, ये बनाया है ओव्यूल। क्या है ये ओव्यूल? ओव्यूल को बोलते हैं, ओव्यूल को बोलते हैं यहाँ पर बीजांड, ठीक है, ओव्यूल को बोलते हैं बीजांड, ठीक है। अब देखो ये तीन ओव्यूल बना है, ओव्यूल कहाँ होते हैं ओवेरी के अंदर। देखो पकी हुई ओवेरी यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अभी जो नहीं बताया मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको पता होगा, ये पकी हुई ओवेरी यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये ओवेरी जो पूरी है ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ये सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों को भी याद है, फ्रूट में किसे बदल जाती है, फल में। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो बचे हैं, ये मान लो ये तीन है, तो प्रत्येक ओव्यूल यानी बीजांड कन्वर्ट हो जाता है सीड में, यानी कि बीज में। अब देखा होगा कि मान लो एक टमाटर में बहुत सारे बीज हैं, एक टमाटर में बहुत सारे बीज हैं, तो टमाटर तो क्या है पूरा, टमाटर पूरा है एक ओवेरी, क्योंकि वो फल है, तो फल किससे बना है ओवेरी से, अंडाशय से। लेकिन उसमें बहुत सारे बीज है, इसका मतलब उस ओवेरी के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, बीजांड होंगे, ठीक है। वो बहुत सारी बहुअंडपी, ठीक है, बहुअंडपी होगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ रही है? जब बहुत सारे अंडप होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बीजांड होंगे, तो बीज भी बहुत सारे बनेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओवेरी चेंज होती है फ्रूट में, यानी अंडाशय बदलता है फल में, और ओव्यूल बीजांड जो बदलता है वो किसे बदलेगा, बीज में, ठीक है। ओवेरी हमने देखी है, ये स्टिग्मा स्टाइल, और तीसरा भाग है ओवेरी है, ठीक है, ये ओवेरी है। ओवेरी के अंदर क्या होता है, बीजांड या ओव्यूल, ओवेरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल बदलता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में, और अंडाशय चेंज हो जाती है फ्रूट में। एक ओवेरी के अंदर बहुत सारे बीजांड हो सकते हैं, एक ओवेरी के अंदर बहुत सारे बीजांड हो सकते हैं, इसका मतलब बहुत सारे बीज रहेंगे। जब फल एक ही हो और उसमें बहुत सारे बीजांड हो, तो उस फल में, मतलब एक फल हो उसमें बहुत सारे बीज हो, मतलब वो एक अंडाशय से बना है जिसके अंदर बहुत सारे बीजांड थे, ठीक है। फल जब गुच्छों में होता है, इसका मतलब अब ये एक पूरा अंडा है, ठीक है, एक पूरा अंडा है जिसमें स्टिग्मा स्टाइल है और ओवेरी, तो यहाँ तो केवल एक ही फल बनेगा और तीन बीज वाला फल बनेगा, क्योंकि तीन ही बीजांड है, समझ में आई बात। अब मान लो इसके अलावा एक और ओवेरी होती, ऐसी जायांग के अंदर एक और ओवेरी होती, तो देखो दो फल बनते क्योंकि दो ओवेरी है, इनके अंदर बहुत सारे बीजांड होते तो बहुत सारे बीज ही बनते। तो जब फल गुच्छों में बनता है तो इसका मतलब वहाँ पर अंडे बहुत सारे हैं, और अगर प्रत्येक, अब देखो जैसे मान लो कि एक ओवेरी है ये, दूसरी ओवेरी है ये, तीसरी ओवेरी है, ठीक है, ये चौथी ओवेरी ये वाली, पाँचवीं ओवेरी ये वाली, तो यहाँ पांच ओवेरीज हैं यानी अंडा से पांच हैं, और इनके अंदर केवल एक ही बीजांड हो तो ये बीजांड एक ही हो तो ये पांच फल बनेंगे एक बीज वाले, पांच फल बनेंगे एक बीज वाले, ठीक है।
अब मान लो ये यहाँ पर एक ही अंडा पे पूरा के पूरा एक कार्पल है, लेकिन ओवेरी एक अंडा पे तो ओवेरी भी एक ही होगी, तो यहाँ पर एक फल बनेगा तीन बीज वाला। यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि आपको आ गया लगभग लगभग, आपको भी समझ में आ गया होगा। तो बात यहाँ चल रही है अंडा से ओवेरी के परिपक्वन के बाद वो किस में बदलती है, फ्रूट में, और ओव्यूल के परिपक्वन के बाद वो बीज में। ये मैंने पुरानी बातें बता दी आपको, मतलब जो आगे आने वाली है वो आगे मैं बता दूंगा बीज बन गए, लेकिन अभी इतनी सी बात ध्यान में रखो कि जो गाइनोसियम है उसका जो पार्ट है, गाइनोसियम का जो जायांग का जो यूनिट है वो है अपने पास कार्पल यानी अंडक, जिसके तीन भाग होते हैं। तीन भाग में से पहला भाग स्टिग्मा, दूसरा भाग स्टाइल और तीसरा भाग ओवेरी। ओवेरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। ओवेरी के अंदर बहुत सारे बीजांड होते हैं और बीजांड आगे जाके बीज में बदलते हैं, और ओवेरी किस में बदलती है, फल में बदलती है। अगर इसमें मैंने ज़्यादा समझा दिया हो और आपको कम समझ में आया हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं, नंबर में डाल दूंगा, ठीक है? तो पर्सनली पूछ सकते हैं, वरना कमेंट करके पूछ लेना, मैं नंबर भी दे दूंगा आपको, ठीक है? अब देखो, यहाँ तक बात हुई ओवेरी की और ओव्यूल की। तो अब एक बार और मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये अपना स्टिग्मा और ये स्टाइल और ये ओवेरी मैंने थोड़ी बड़ी बना दी, ठीक है? ये क्या है, ओवेरी यानी कि अंडा से। इसके अंदर ओवेरी के अंदर क्या रहेगा, ओव्यूल। ओव्यूल जो इस दीवार से कनेक्टेड रहेगा यहाँ पर, इस वाली दीवार से, तो यहाँ पर एक उभरी हुई चीज होगी जिससे एक डंठल निकलेगा और आगे जाकर वो इस संरचना में परिवर्तित होगा। तो ये क्या है अपना, ये है ओव्यूल यानी कि बीजांड। और जहां से ओव्यूल अटैच होता है अंडाशय की दीवार पर, ओवेरी की पेरिफेरी पर, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सुना होगा, फलों में खाने वाला भाग प्लेसेंटा है, ये है वो है, बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगा आपको। प्लेसेंटा यानी इसको बोलते हैं बीजांड न्यास, बीजांड न्यास। तो ओव्यूल और ओवेरी को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, प्लेसेंटा। और जो डंठल निकला है जिस पर ओव्यूल अटैच है, इस डंठल को बोलते हैं फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस, ठीक है? और जहां पर ये ओव्यूल इस डंठल से जुड़ा है, जहां से ये ओव्यूल इस डंठल से जुड़ा है, यहां पर एक संरचना होती है उभरी हुई जिसको बोलते हैं राफे। ये याद रखना, ये संरचना होती है राफे। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो, मैं इस ओव्यूल को डिटेल में समझा के बताता हूँ। इस ओव्यूल को बाहर निकाल लेते हैं। ये ओव्यूल दिखने में कैसा होता है, इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंट करते हैं। इस ओव्यूल के अंदर ये इसका मुख्य भाग है, ठीक है? इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसको अध्यावरण कहते हैं, ये, ठीक है? इसके ऊपर तीसरा आवरण होता है जिसको बोलते हैं अध्यावरण, ये सेकेंड अध्यावरण, इंटिग्यूमेंट जिसको बोलते हैं। तो ये दो हो गए, और ये जुड़ा होता है फ्यूनिकुलस से, और यहाँ पर ये प्लेसेंटा, ठीक है? देखो, ये है अपना प्लेसेंटा जो मैंने नीचे दूसरे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये अपना फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस, और यहाँ पर जो उभरी हुई संरचना है वो मैंने बताया आपको राफे कहलाती है, और ये इसके पहला आवरण है जो बाह्य अध्यावरण कहलाता है, बाह्य अध्यावरण, अधिआवरण यानी एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट। कितने इंटेग्यूमेंट होते, दो, ये इनर वाला इनर इंटेग्यूमेंट कहलाता है, इनर इंटेग्यूमेंट। तो अंदर वाला अध्यावरण और बाहर वाला अध्यावरण, ठीक है, फ्यूनिकुलस प्लेसेंटा। और जहां पर कोई भी अध्यावरण नहीं होता, ठीक है, कोई भी अध्यावरण नहीं होता, मतलब ये भी नहीं है, ये वाली लेयर भी नहीं है, खाली जगह है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। यहां तक बात समझ में? अब देखो,
माइक्रोपाइल के दूसरे ये इस वाली दिशा में माइक्रोपाइल है, तो इसके जस्ट अपोजिट दिशा में इस भाग को बोलते हैं, इस वाली दिशा वाले इस भाग को बोलते हैं चेलेजा। चेलेजा क्या बोलते हैं? चेलेजा। और यहाँ पर जो एक उभार ये छेद है, इस भाग को बोलते हैं क्या? माइक्रोपाइल। इस छेद को बोला है यहाँ पर हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम रापे के पास में ये छेद के ऊपर थोड़ा सा उभार होता है, इसको बोलते हैं हाइलम। जैसे आपने देखा होगा कि ये सीड किसका है? चने का सीड है। तो ये उभार होता है थोड़ा सा, चने के सीड में थोड़ा सा उभार होता है, इसको बोलते हैं हाइलम, ये उभार के रूप में। और ये यहाँ पर छेद होता है एक, जिसको अपन बीज द्वार या सीड पोर बोलते हैं। ये किसका बना होता है? ये माइक्रोपाइल का ही बना होता है। ठीक है, ये मैंने आगे की बात बता दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके पास समझने के लिए है स्टिग्मा, स्टाइल, ये पूरी ओवेरी, ओवेरी के अंदर लगा है बीजांड यानी ओव्यूल, ओव्यूल अटैच है प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से एक डंडा जाता है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल। इसके ऊपर ये है, इसको बोलते हैं अपन पूरे को मुख्य भाग। क्या बोलते हैं? ओव्यूल का मुख्य भाग, या इसको बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं? बीजांड काय, यानी कि न्यू सेलस। ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे ये वाला है ना, ये वाला मैंने बताया, तो ये वाला क्या है? न्यू सेलस। इसमें पोषण ही भरा होता है, पूरा के पूरा क्या होता है? ये मृदु ऊतक का बना होता है, पोषण भरा होता है। तो इसको ही क्या बोला है अपन? बीजांडकाय या न्यू सेलस। यहाँ तक क्लियर है बात आपको? कमेंट करके जरूर बताते रहना। और माइक्रोपाइल समझ में आया? माइक्रोपाइल क्या है? ये छेद है। हाइलम क्या है? राफे के साथ एक उभार होता है छोटा सा, जैसे मैंने चने के यहाँ बताया, इसको बोलते हैं हाइलम। तो यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया हो। अब देखो आगे, देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, आप नोट करना चाहे तो, कि ओव्यूल किससे कनेक्ट होता है? ओवेरी से। किसके? प्लेसेंटा के माध्यम से। ओव्यूल के पार्ट कौन से हैं? प्लेसेंटा है, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल है, हाइलम है, न्यूसेलस है, जिसमें दो इंट्यूगमेंट होते हैं, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण, परतें होती है दो, उनको अध्यावरण बोलते हैं, और एक छेद होता है माइक्रोपाइल, और चेलेजा उसके ऊपर का भाग होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर यहाँ माइक्रोपाइल है, यहाँ माइक्रोपाइल है। अब मैं इसको एक सिंपल डायग्राम में और बता देता हूँ आपको। ये मैंने थोड़ा, इसके प्रकार होते हैं अलग अलग, ओव्यूल के प्रकार हैं, जैसे एम्पिट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्पेनाट्रोपस, ऐसे। तो मैंने वो दूसरा वाला बना, इस एक बार बना देता हूँ मैं, एक बार और आपको सुविधा के लिए बना देता हूँ। जैसे कि ये हो गया न्यूसेलस, कंप्लीट आया समझ में? इसको बोलते हैं न्यूसेलस। इसके ऊपर एक इंट्यूगमेंट है, यानी कि इसके और आंतरिक अध्यावरण, इसके ऊपर एक बाह्य अध्यावरण, और ये हो गया पूरा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर माइक्रोपाइल। माइक्रो पाइल ये इंटेग्यूमेंट है, जो बाहर वाला इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट है, ये भी इंटेग्यूमेंट है, दो फर्स्ट सेकंड दो इंटेग्यूमेंट हो गए। ये अंदर बीजांड का या न्यूसेलस, बीजांड का पूरी बॉडी न्यूसेलस हो गई। ये आपके पास फ्यूनिकुलस हो गया, फ्यूनिकुलस। ये आपके पास हो गया प्लेसेंटा, जिससे टिका हुआ है ये ओवेरी पर। ये हो गया आपके पास राफ है, और यहाँ पर एक उभार पाया जाता है, इसको बोल देते हैं हाइलम, जो एक छिन्न के रूप में होता है। ये हो गया आपका बीजांड कंप्लीट। ये बात समझ में आई? अब इस बीजांड के अंदर बनेंगे मेगास्पोर, और मेगास्पोर के अंदर बनेगा मेगा गैमेट। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ पे रहेगी? जैसे कि मान लो अब मैं केवल ये बनाऊंगा न्यूसेलस, यानी कि क्या बनाऊंगा? अब जो मैंने बनाया था ऐसा करके, बीजांड का महत्वपूर्ण भाग जिसको बोलते हैं बीजांड काय यानी न्यूसेलस। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगी? ये मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, और ये प्लांट का पार्ट है। गाइनोसियम किसका पार्ट है? प्लांट का। तो ये क्या रहेंगे? द्विगुणित यानी डिप्लोइड, इनको बोलते हैं द्विगुणित, डिप्लोइड, 2n रहेगा प्लांट के पार्ट, सब 2n रहेगा। ठीक है,
अब इस मेगा स्पोर मदर सेल के न्यूक्लियस में क्या होगा? मियोसिस होता ही है, स्पोर बनने के लिए मियोसिस होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन से आपका तात्पर्य है कि एक से चार हो जाएगी और उसका गुणसूत्र रहेंगे एन एन एन, समझ आ गया? तो ये मैं अंदर ये न्यूक्लियस बना दिया। अब यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल जो एक्टिवेट हुई है, मियोसिस हुआ, उसमें चार सेल, चार क्या बन गए, चार सेल यहाँ पर बन गई। और ये सारी कैसी है, एन 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 एन, और ये कैसा था, टू एन। इसका मतलब क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है, चारों एन 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 वाली सेल बन गई है। अब देखो जिधर माइक्रोपाइल था, मतलब मान लो इसको मैं बनाऊँ ऐसे करके, पूरे ओव्यूल को बनाऊँ, ये ओव्यूल को बनाऊँ कंप्लीट, ये तो माइक्रोपाइल किधर है, माइक्रोपाइल ये वाला है, क्योंकि छेद इधर है ना, जहाँ पर इंट्रिक्यूमेंट नहीं है वहाँ पर माइक्रोपाइल है, छेद बन जाता है, तो ये छेद है। तो याद रखना माइक, अभी चार क्या बने हैं, देखो मैं पहले ये बताना भूल गया, इसको बता देता हूँ कि जब एक मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, उससे चार कोशिकाएं बनती हैं, और इन कोशिकाओं को बोलते हैं मेगा स्पोर, क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर। अगर ये उसमें भी चार बनी थी, आपको पता है कि एक साथ चार बनी थी माइक्रोस्पोर में, लेकिन वो चारों के चारों जिंदा थी, लेकिन यहाँ चार बनी है और चारों में से केवल एक जिंदा रहेगी, ठीक है? तो मेगा स्पोर सेल कितनी बनती है, चार, चार मेगा स्पोर बन गए मियोसिस के माध्यम से, किसमें, ओव्यूल यानी बीजांड, बीजांड के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यूसेलस, न्यूसेलस मतलब बीजांड काय, बीजांड काय के अंदर क्या थी, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल ने क्या किया, मियोसिस, मियोसिस से एक मेगा स्पोर मदर सेल से चार मेगा स्पोर बने। मेगा स्पोर मदर सेल बोला इसलिए क्योंकि मेगा स्पोर बनाती है। तो चार में से माइक्रोपाइल वाले, इधर साइड वाले मतलब छेद वाले, तीनों के तीनों क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, या इसको पोषण देने के लिए मर जाते हैं, और केवल एक सेल यानी सिंगल जो चेलेजा की साइड, इधर कौन सा भाग है, इधर माइक्रोपाइलर रीजन है, इधर कौन सा है, चेलेजा वाला, तो चेलेजा की साइड कौन है, ये वाला, तो ये केवल एक माइक्रोस्पोर ही क्या बन पाता है, डेवलप पाता है। अब देखो इसमें चार में से कितने बचे हैं, केवल एक बचा है, चार में से एक बचा है। अब देखो अब एक मेगा स्पोर बचा है, एक मेगा स्पोर को अपन निकाल लेते हैं, ये मेगा स्पोर एक, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये क्या है अपना मेगा स्पोर, एक कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है ओव्यूल के अंदर, मेगा स्पोर ये है एन, ठीक है, इसका न्यूक्लियस क्या है एन, ये साइटोप्लाज्म मैंने डाल दिया, ठीक। अभी डेवलप होगा, डेवलप होने में तीन इसके साथ ही मेगा स्पोर हैं, वो तीनों इसको डेवलप करने के चक्कर में कुर्बान हो गए हैं, और न्यूसेलस से ये लगातार क्या ले रहा है, पोषण भी ले रहा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, मेगा स्पोर बड़ा हो जाएगा। एक इमेजिन करते हुए चलना जिसे समझने में आसानी रहेगी। अब देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, पक्का मान के चलिए, अगर सिनगेमी आपके टॉपिक में है तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पक्के बनेंगे। इसलिए सिनगेमी कुछ नहीं है, सिनगेमी मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सब सिनगेमी है, अरे सिन प्लस गेमी, गेमी मतलब गैमेट्स, सिन मतलब दोनों को मिलाना, तो गैमेट जब मिलाओगे ना, जब तुम प्लांट लाओगे, फूल लाओगे, उसमें से गैमेट बनाओगे, तो गैमेट बनाने की प्रोसेस बहुत लंबी है। उन्होंने एक टॉपिक दिया है सिनगेमी, जो आरएचयू की बात कर रहा हूँ उसकी मैं, सिनगेमी टॉपिक है, सिनगेमी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है। चलो अब मेगा स्पोर बन गया है अपना, क्योंकि मेगा स्पोर और जेनेसिस हो गई, जेनेसिस मतलब बनना होता है, मेगा स्पोर बनाना बन गया, मियोसिस हो गया एक बार, तो चार मेगा स्पोर, चार में से एक जीवित रहा, तीन मर चुके हैं माइक्रोपाइल एंड वाले, एक चेलेजा वाला, एक केवल जो चेलेजा की साइड में था, मतलब चेलेजल का मतलब चेलेजा की साइड वाला मेगा स्पोर जिंदा रहा है। अब जिंदा मेगा स्पोर में जो एक्टिव है, इसको बोलते हैं एक्टिव मेगा स्पोर, यानी कि गुरु बीजाणु, अगर हिंदी में बोलूँ तो गुरु बीजाणु, ठीक। अब इसमें गुरु बीजाणु में तीन माइटोसिस होंगे, और तुम्हें पता है माइटोसिस में क्या होता है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड होता है इस प्रोसेस में, तो एक बार फर्स्ट माइटोसिस कराओ, एक बार यहाँ पर समसूत्री, समसूत्री विभाजन कराओ, समसूत्री का मतलब समान गुणसूत्र रहे और एक से दो बन जाए, ठीक। तो ये लो एक से दो बना दिए, ये दो न्यूक्लियस बना दिए, ठीक है, फर्स्ट माइटोसिस, फिर सेकेंड माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस होगा,
केवल न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, मैंने पहले बताया था आपसे, यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, तो ये लो चार न्यूक्लियस बना दी। अब एक होगा थर्ड माइटोसिस, हाँ याद रखना, तीसरा माइटोसिस भी होता है। टोटल माइटोसिस और मियोसिस पूछ सकते हैं कि एक गुरु बीजाणु बनाने के लिए कितने, एक माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितने। ढंग से वीडियो को दोबारा देखोगे जब जाके पल्ले पड़ेगी बात, ऐसा नहीं कि एक बार देखा अरे समझ में नहीं आ रहा छोड़ो, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये क्या, इससे भी सिंपल चीज़ समझ में नहीं आएगी, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, एक बार और माइटोसिस हुआ तो देखो, एक से दो बने फर्स्ट माइटोसिस, अब प्रत्येक में होगा तो एक से दो और एक से दो, दो दो से कितने बनेंगे चार, अब चार से कितने बनेंगे आठ, तो देखो ये आठ बन गए। वैसे माइटोसिस में अगर गिनना हो तो पावर लगा देना, जैसे टू की पावर एन, टू की पावर एन। कोई बोले कि एक कोशिका है उसमें पांच बार माइटोसिस होता है तो कितनी कोशिकाएं बनेगी, तो टू की पावर फाइव, समझ में, डायरेक्ट लिख देना टू की पावर थ्री, टू की पावर फाइव, टू की पावर एट, जो भी दे रखा हो कितने माइटोसिस है। माइटोसिस जैसे टू की पावर, अब मान लो एक माइटोसिस है यहाँ पर, तो अब टू की पावर वन करो तो कितने, दो केंद्रक बनने थे, दो बन गए, कोशिका बोलते हैं जब भी दो ही बनती। अब दो माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस मतलब फर्स्ट और सेकेंड माइटोसिस में तो दो माइटोसिस हो गए, तो चार बन गए ना। अब मान लो दो की पावर तीन, क्योंकि तीन माइटोसिस कितने बने आठ, तो तीन माइटोसिस में क्या बन गए आठ हो गए, चार होते 16, ठीक है 32, पाँच में 32, ऐसे बनते रहते, वो अलग बात है, वो जब मियोसिस माइटोसिस समझाऊंगा तो वहाँ पे आपको बता दूंगा मैं कि कौन कौन से प्रोसेस में क्या क्या होता है। अब देखो यहाँ पर जो ये बना है, ये मेगा स्पोर ही बड़ा होता जा रहा है, क्या बड़ा होता जा रहा है, मेगा स्पोर। अब मेगा स्पोर के अंदर क्या आ गया है, मेगा स्पोर के अंदर आ गया है आठ न्यूक्लियस आ गए हैं, आठ न्यूक्लियस अपने पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आगे आगे अब ये मेगा स्पोर है, ठीक, इसके अंदर चार या आठ न्यूक्लियस है, टोटल चार चार आठ न्यूक्लियस है, उनमें से तीन न्यूक्लियस ऊपर रह जाते हैं, ध्यान से समझना, दोनों ध्रुवों पर यानी पोलर पे कितने न्यूक्लियस रह जाते हैं तीन, और एक एक न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है सेंटर में, इधर से एक और इधर से एक सेंटर पे चला जाता है, ये एक और ये एक, ये वाली सिचुएशन बनती है। इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस है छोटे हैं इसलिए न्यूक्लियाई, पोलर यानी कि ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। और ये क्या होते हैं एन प्लस एन, अलग अलग रहते हैं लेकिन इनको मानते क्या है टू एन ही मानते हैं, क्योंकि लास्ट में भी मिल जाते हैं तो टू एन हो गए। और इसके अंदर जो तीन ऊपर और तीन नीचे न्यूक्लियस बचे हैं उनमें से क्या होगा, ये आपस में साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर लेंगे और सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये बन गई और तीसरी सेल ये बन गई। ठीक है, तीन सेल ये ऊपर वाले ने तीन सेल बना ली, नीचे वाले भी क्या करेगी एक सेल बना लेगी, ये वाली, ये न्यूक्लियस आ गया साइटोप्लाज्म के जखड़ में, तो ये सेल का निर्माण कर लिया, क्योंकि चारों तरफ इसमें मेम्ब्रेन आ जाती है तो क्या बन जाते हैं सेल, क्योंकि तो सेल के लिए क्या चाहिए साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, तो सेल बना ली। अब एक जो ये बचा है नीचे वाला माइक्रोपाइलेंट वाला, ये लंबी सी सेल बन गई, इसका आकार थोड़ा बदल गया है, ये सेल बन गई। अब यहाँ से आपको सीखना है बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बड़ी सेल तो है ही सही, देखो अब कितनी सेल हुई, सेल गिनो, ठीक है, एक तो ये पूरी सेल जिसके सेंटर, अब देखो इन जो न्यूक्लियस है ये ऊपर वाले, ये वाला, ये वाला, ये और तीन नीचे हैं, इनको इस सेल के न्यूक्लियस नहीं मानेंगे क्योंकि सेल का बड़ा वाला पार्ट है ये वाला, देखो ये सेल है बड़ी, तो इसमें तुम्हें बीच में जो न्यूक्लियस दिख रहे हैं वही इस सेल के न्यूक्लियस है, ये कंट्रोल कर रहे हैं सेल को, तो इनको बोलते हैं सेंट्रल सेल, किसको बोलते हैं
सेंट्रल सेल इस पूरी सेल को, ये कंप्लीट सेल है पूरी, इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल, और इस सेंट्रल न्यूक्लियस जिनको पोलर न्यूक्लियाई भी बोला जाता है। तो एक सेल तो हो गई ये वाली, ठीक है, सेंट्रल सेल, पूरी सेल टोटल जितनी भी सेल है जिसके अंदर 6 और हैं लेकिन एक पूरी भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। एक कंप्लीट सेल को क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल, ये पूरी की पूरी कंप्लीट सेल को एक सेंट्रल सेल। इसके अलावा एक कोशिका, एक एक कोशिका, एक कोशिका, तो ये तीन क्या है, तीन ऊपर है और ये तीन ही नीचे है, तो तीन और तीन 6 और एक 7, तो कितनी सेल हो गई टोटल इसमें, 7 सेल्ड। ठीक है, न्यूक्लियस गिनो, तो तीन ऊपर तीन नीचे और दो न्यूक्लियस यहाँ पर, तो कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियट। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ है यहाँ जाकर गेमेटोजेनेसिस। अब इनके कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे तीनों सेल है ऊपर वाली, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स यानी प्रतिमुखी पत्ती विन्यासित कोशिकाएं। ये नीचे की दो है, ठीक है, इनको बोलते हैं सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड। ये कितनी होती है, दो। एंटीपोडल सेल कितनी होती है, तीन। और ये जो मेन और इम्पोर्टेंट सेल है इसको बोलते हैं एग सेल, और इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेट। ये है अपना काम की चीज, फीमेल गैमेट। वहाँ पे मेल गैमेट दो थे और एक ट्यूब सेल थी, ठीक है, याद आ रहा हो कुछ आपको। तो ये फीमेल गैमेट हो गया अपने पास, जिसको एक सेल बोला है, बाकी इसकी सहायता करने वाली दो सेल को सिनर्जिड, और ये तीन ऊपर वाली सेल एंटीपोडल सेल, और दो ये न्यूक्लियस है अपने पास, एन प्लस एन, बाकी सब एन ही है क्योंकि सब मियोसिस से बनी है। तो एंटीपोडल सेल भी देखो, यहाँ पे एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, मेगा स्पोर होता है फीमेल गेमेटोफाइट का प्रथम सेल, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, मेगा स्पोर है। मेगा स्पोर में तीन माइटोसिस हुए, इस मेगा स्पोर में तीन माइटोसिस हुए, 8 न्यूक्लियस डेवलप हुए मेगा स्पोर में हुए, ठीक है, 7 सेवन सेल 8 न्यूक्लियट कंडीशन आई, ठीक है। इसमें क्या है, देखो 8 न्यूक्लियस कैसे हुए, एक तो सेकेंडरी न्यूक्लियस है 2n, n प्लस n, एक सेल सेंट्रल सेल जिसको बोला, दो न्यूक्लियस इसके अंदर है n प्लस n, तीन एंटीपोडल सेल है, एक एक सेल है। यहाँ पर सेल की बात करें तो एक सेकेंडरी न्यूक्लियस वाली सेंट्रल सेल, तीन एंटीपोडल सेल, एक एग सेल और दो सिनर्जिड, तो कितनी सेल हो गई, 7 सेल। न्यूक्लियस की बात करो तो सिनर्जिड दो हैं, तो दोनों ही एन और एन है, एग सेल है ये भी एन है, एंटीपोडल सेल भी एन 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 ही है, और सेंट्रल सेल एन प्लस एन है, तो 1 2 3 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस गिन सकते हो, वैसे मैंने बता दिया आपको। और ये सब क्या है, एन है, बस ये वाला चीज़ है अभी मिला नहीं है, दोनों न्यूक्लियस एन प्लस एन है, यानी कि इसको 2n मान लो, ठीक है, 2n मान लेंगे, लेकिन अभी n प्लस एन जोड़ लो, तो ये हो गए ध्रुवीय केंद्रक n प्लस एन यानी 2n। एंटीपोडल सेल हो गई तीन, तीनों ही n है, दो हो गई सिनर्जिड, दोनों ही n है, और एक सेल यानी गेमिट तो n होता ही, तो ये भी n है। इस पूरी स्ट्रक्चर, अब ये मेगा स्पोर, पूरे के पूरे मेगा स्पोर को इस अवस्था में 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेटेड अवस्था में, इसको बोलते हैं भ्रूण कोश, क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद। ये टर्मिनोलॉजी मैं बाद में किस दिन 2-5 मिनट की क्लास लेके समझा दूंगा, ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट क्या होता है ये बाद में समझाऊंगा, अभी तुम समझ लो इसको बोलते हैं भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक। अब भ्रूण कोश, भ्रूण पोष, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सेक, ये सब कंफ्यूजन धीरे धीरे सही होगा जब बार बार लेक्चर देखोगे, ठीक है। बीजांडकाय है ना, और न्यूसेलस समझ में आ गया, सब बीजांडकाय के अंदर ही हो रहा है। भ्रूण कोश कहाँ डेवलप हुआ है, बीजांडकाय के अंदर। भ्रूण कोश कब बोलेंगे, जब 7 सेल एक मेगा स्पोर जब 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। ये कहाँ चल रही सारी घटनाएं, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। गाइनोसियम होता है फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट के अंदर उसकी इकाई होती है कार्पल या अंडप, अंडप के अंदर तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ओवेरी के अंदर प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं क्या, ओव्यूल यानी बीजांड। बीजांड के अंदर तीन भाग होते हैं, चार भाग होते हैं, जिससे प्लेसेंटा, फ्यूनिकुलस, रापे, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, इंटिग्रमेंट। उसका मेन भाग होता है न्यूसेलस यानी कि बीजांडकाय। बीजांडकाय के अंदर होती है मेगा स्पोर बनाने वाली मदर सेल जो होती है 2n, और 2n के बाद जब उसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है तो वहां पर होता है अर्धसूत्री विभाजन,
और उससे बनते हैं 4 मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर बनेंगे, सारे अगुणित रहेंगे, एन रहेंगे, उनमें से 3 मेगास्पोर मर जाएंगे। किधर वाले मर जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे? जिधर छेद होगा, माइक्रोपाइल होगा उधर वाले, और चेलेजा वाला 1 मेगास्पोर डेवलप होगा। मेगास्पोर बनने के बाद उसी के अंदर मेगा गेमेटोजेनेसिस की प्रोग्रेस होगी, और धीरे धीरे जब मेगा गैमेटोजेनेसिस की ओर बढ़ेंगे तो मेगा स्पोर के अंदर जो केंद्रक है उसमें एक बार विभाजन होगा, 2 केंद्रक बन जाएंगे, 2 बार विभाजन होगा, 4 केंद्रक बन जाएंगे, 4 बार विभाजन होगा, 8 केंद्रक बन जाएंगे। 8 केंद्रक में से 3 केंद्रक एक ध्रुव पर, 3 केंद्रक एक ध्रुव पर लग जाते हैं, और 2 केंद्रक बीच में आ जाते हैं। ऊपर वाले 3 केंद्रक एंटीपोडल सेल में बदल जाते हैं, नीचे वाले 2 सिनर्जिड में और 1 एक्सेल में बदल जाते हैं, और बीच वाला सेंटर सेल के यानी द्वितीयक केंद्रक के रूप में रहता है। ठीक है, तो इसको ध्रुवीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस या ध्रुवीय केंद्रक, ये दो हैं, इनको द्वितीयक केंद्रक भी कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस दिया हुआ है N+N। यहाँ तक बात समझ में? अब मैं इसको एक बार और बताऊंगा, क्योंकि इससे ही तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इससे ही कंप्लीट हो पाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एक बार और बता देता हूँ मैं, ये है अपना मेगा स्पोर। अब अपने पास क्या चीजें हैं? ये 3 एंटीपोडल सेल है, 2 सिनर्जिड, 1 एक्सेल, ये वाला सीन है। ये तीन क्या है? एंटीपोडल सेल्स। कैसी ये तीनों है? एन है। ये दो क्या है? सिनर्जिड, सिनर्जिड्स दो हैं, ये भी एन है, एन है। ये एक क्या है? एक सेल, ये भी एन है। ये दो क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या है? N+N है अभी तो, लेकिन इनको 2N ही माना जाता है द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, और ये क्या है अपना पूरा का पूरा? ये है अपना एम्ब्रियो सेक, जो आगे जाके भ्रूण को पोषण देगा। भ्रूण कब बनेगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब मेल गेमिट आएगा। मेल गेमिट कब आएगा? मेल गेमिट परागकण के अंदर है, जो उड़ के आएगा, जिसको पोलिनेशन बोला है। पोलिनेशन में आपको अलग टॉपिक में डिस्क्राइब कर दूंगा। अब उधर जो चल रहा है, मान लो परागण की जरूरत पड़ती है, भले ही वो सेल्फ पोलिनेटिंग हो, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड हो, या फिर क्रॉस पोलिनेटेड हो, लेकिन परागण अगर देखना हो तो आप हमेशा उदाहरण के तौर पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेटेड को लो, कि एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर से परागण किसी माध्यम से उड़कर कहाँ पे आएंगे? वो आएंगे आपके पास फीमेल की स्टिग्मा पे। ठीक है, परागण समझाऊंगा उस दिन, समझा दूंगा। ये अपना कंप्लीट हो गया डेवलपमेंट किसका? जायांग का। जायांग के अंदर बन चुके हैं मादा युग्मक, उधर तैयार बैठे थे अपने पास नर युग्मक। अब करा देते हैं इनका निषेचन। ठीक है, अब देखो पूरा मैं प्रोसेस बता देता हूँ। इधर मेल वाला पार्ट है, इधर फीमेल वाला। ये लड़की वाले हैं, ये लड़के वाले हैं। अब मेल में क्या था अपने पास? कल मैंने बताया था आपको कि ये और ये और ये एक सेल, इसको ट्यूब सेल बोला है। इसको समझ में नहीं आया, वो यहाँ से शॉर्ट में भी समझ सकता है। ट्यूब सेल, ये अपना क्या है? पोलन ग्रेन। यानी कि परागकण जो अभी पराकोष में है, हो जाएगा फ्री। और ये दो क्या है? नर जनन केंद्रक, या इनको नर युग्मक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो। और इसके ऊपर मैंने बताया था डिजाइन वाली लेयर क्या होती है? एग्जाइन, एग्जाइन जो स्पोरोपोलिन इनको ले होती है, और ये बीच बीच में छेद होते हैं, यहाँ होके प्राग्नलिका निकलेगी। ये तो हो गई कंप्लीट तैयारी लड़के वालों की। ठीक है, पोलन ग्रेन। इधर देखो ये अपने पास स्टिग्मा है, स्टाइल। और ये क्या है? ओवेरी, ओवेरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर
ये सब चीज़ें, ये इसमें क्या चल रहा है, यहाँ पर बन चुकी है एंटीपोडल सेल, ठीक है, ये एक सेल और ये द्वितीयक केंद्र, ये ना अभी बनाया अपन ने, ये वाला पूरा फिट यहीं होगा क्योंकि यहीं तो डेवलप हुआ है। अब देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, पोलिनेशन के थ्रू ये आएगा यहाँ पर, ये क्या हो गया पोलिनेशन, कैसे भी आ सकता है, एनिमोफिली, एंटोमोफिली, कायरोफिली, कुछ भी हो अपन को मतलब नहीं, परागण पढ़ेंगे जब देख लेंगे क्या क्या परेशानी आती है, क्यों परागण रुक जाता है, क्यों सेल इनकम्पेटिबिलिटी आ जाती है, वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये पोलिनेशन हुआ और ये परागण यहाँ पर आ गया। अब परागण क्या होता है, परागण देखो, परागण होता है जिसमें दो तो हो, नर जनन केंद्र या नर युग्मक, और एक हो ट्यूब सेल या नलिका, ठीक है, तो इसको परागण बोलेंगे, परागकण। परागकण क्या करेगा, परागण क्या करेगा, परागण पोलिनेशन, और किसी माध्यम से फीमेल के यहाँ पर आके बैठ जाएगा, ये बैठ गया, ठीक है, ये बैठ गया। अब इसके बाद होगी विवाह की तैयारियां शुरू, यानी कि निषेचन की तैयारियां शुरू, ये बात में समझ में आई। अब देखो, अब पराग कण को यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ तो माध्यम चाहिए, क्योंकि इनको पहुँचाने, ये है मेन, तो ये है दूल्हे, दो नर केंद्रक है, इनको मिलाना है, इधर अंदर तक पहुँचाना है, तो परागण अंदर तो घुस नहीं जाएगा, नहीं घुस सकता क्योंकि यहाँ पर फिजिकल बैरियर होते हैं, नहीं घुस सकता, तो क्या करें, तो अब इससे एक ट्यूब लाई जाए और यहाँ तक इन केंद्रकों को भेजा जाए ट्यूब के माध्यम से, ठीक है, एज के भेज दो अंदर। लेकिन इस ट्यूब को बनाने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों की जरूरत होगी, जिसको बोलते हैं पोलन ट्यूब, यानी पराग नलिका, पोलन ट्यूब या पराग नलिका। पराग नलिका पराग कण में से निकलती है और कहाँ तक जाती है, ओव्यूल तक, अंदर तक घुस जाती है, एक सेल के पास पहुँचाने हैं नर युग्मक, कहाँ पहुँचाने हैं, ये एक सेल बनाई ना मैंने यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसके पास पहुँचाने हैं दो नर युग्मकों को, यही अपना क्या हो जाएगा, निषेचन। समझ में क्या। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखने हैं, पहले तो पराग नलिका का जो मूवमेंट होता है, पराग नलिका का जो जाना होता है यहाँ से, उसको बोलते हैं कीमोट्रोपिक, यानी रसायनु वर्तन गति। कौन सी गति दर्शाती है, रसायनु वर्तन गति, वर्तन मतलब होता है मुड़ना, इसको कीमोट्रोपिक ही याद रखना, कीमोट्रोपिक मूवमेंट याद रखना, एक क्वेश्चन आया है, स्टार लगा दो यहाँ पर, बहुत बार आया है पराग नलिका की गति, गतियाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा, थिग्मोनेस्टी, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोटेक्टिक मूवमेंट, कीमोट्रोपिज्म, रसायनु वर्तन, रसायनु चलन, इधर से स्पर्शानुकुंचन, अनुकुंचन, ये अलग अलग प्रकार की गतियाँ, जैसे थिग्मोनेस्टी, ठीक है, किसमें अनुकुंचन, रसायनुकुंचन, या फिर अपने स्पर्शानुकुंचन पाई जाती है छुई मुई में, उसकी भी दो तीन क्वेश्चन बेस्ट है जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो छोड़ो, लेकिन यहाँ पर अपनी बात आई है पोलन ट्यूब की, यानी पराग नलिका की, तो पराग नलिका कौन सी गति, रसायनुवर्तन गति दर्शाती है, जो कि मुड़ती है, मुड़ना, क्योंकि यहाँ से कभी इधर से मुड़ जाती है, कभी अलग अलग प्रकार से एंट्री है, पोरोगेमी, चेलेजोगेमी, माइक्रोपाइल, इंटिग्यूमेंट, कुछ भी कहीं पर घुस सकती है, लेकिन अपन में बेसिकली ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में, 90% एंजियोस्पर्म में माइक्रोपाइल से घुसती है, यानी पोरोगेमी गति दर्शाती है, यानी पोर में होकर अंदर जाएगी, ठीक। तो ये हो गया अपनी कीमोट्रोपिक मूवमेंट, तो पोलन ट्यूब कौन सा मूवमेंट, कीमोट्रोपिक मूवमेंट दर्शाती है, रसायनुवर्तन गति दर्शाती है। पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बोरोन, तो बोरोन याद रखना भैया, हो बोरोन पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए सबसे, हालांकि कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी है, लेकिन कैल्शियम और बोरोन दोनों ज्यादा तुम्हें क्या लगाना है, बोरोन, बोरोन ऐसा तत्व है जिसके कार्य में स्पेशल लिखा हुआ, क्योंकि बार बार हमेशा ये पूछा जाता है, और बोरोन की कमी से क्या होता है, पराग नलिका गति नहीं करेगी, पराग नलिका गति नहीं करेगी तो निषेचन नहीं हो पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा तो इनफर्टिलिटी या स्टरिलिटी आ जाएगी पौधों में, इसलिए एक जिम्मेदारी है कि निषेचन में कौन सहायता करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं कि पादपों के निषेचन में कौन सहायता करता है, तो बोरोन याद रखना, अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। इसके अलावा
इसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा तो अच्छी ग्रोथ करेगी परागनलिका, ठीक है। और परागनलिका ग्रोथ करके इसको जाना कहाँ, एम्ब्रियो सैक में जाना है, इसमें जाना है ताकि ये एक सेल से मिल सके इसके मेल गैमेट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखो दो चीज़ें तो ये बता दी मैंने कि कीमोट्रोपिक मूवमेंट और बोरोन, ठीक है। अब उसके बाद देखो परागनलिका बन गई, माना कि परागनलिका बन गई है और ये चली गई है, यहाँ पर आ गई है, तो ये अपना एम्ब्रियो सेक है। क्या है, एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर है एक सेल, ये दो सिनर्जिड और ये दो न्यूक्लियस एक साथ और ये एंटीपोडल सेल, ठीक है। परागनलिका मान लो ये इंट्यूगमेंट है, यहाँ पर मैंने दो इंट्यूगमेंट ऐसे बना दिए, ये पूरा नहीं बनाया बस डिजाइन के लिए बना दिए, और परागनलिका यहाँ से निकली, ये क्या है, ये अपना ये चली ट्यूब सेल, इसके पीछे पीछे चले ये नर के अंदर, ये परागकण है। क्या है, परागकण। परागकण के अंदर ऊपर वाली तो लेयर बहुत मजबूत होती है, मैंने बताया सबसे हार्ड मेटेरियल होता है, लेकिन उसके बीच में जो छेद थे वहाँ से फूल के परागनलिका से क्या निकल गई, परागकण से क्या निकल गई, परागनलिका, और कहाँ चली गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पर परागनलिका का विस्तार यहाँ तक हो गया। अब सबसे पहले कौन चलेगा, सबसे पहले आगे आएगी ट्यूब सेल, ये ट्यूब सेल यहाँ तक आ गई, इसको बोलते हैं ट्यूब सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी इसको बोला जाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब सेल, कल वेजिटेटिव न्यूक्लियस नहीं बताया था, तो ट्यूब सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसको बोला जाता है। ये आ गया, इसके पीछे दो नरयुग्मक, पीछे पीछे इसके आ रहे हैं नरयुग्मक, ठीक है, और धीरे 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 यहाँ आ गए। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, अब इमेजिन करके सोच लो कि मान लो ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है, और यहाँ घुस गया, तो जब घुसता है ट्यूब न्यूक्लियस, इसके अंदर एंट्री करता है ट्यूब न्यूक्लियस, परागनलिका यहाँ जाकर आगे मुंह जाकर फूल जाती है और फट जाती है, जिसमें क्या हो जाता है, अंदर की साइड पे ये ट्यूब न्यूक्लियस और सिनर्जिड दोनों टकरा के मर जाते हैं, एक सिनर्जिड यहाँ ख़त्म हो जाती है और एक ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ ख़त्म हो जाता है, मतलब ये यहाँ आ जाएगा जब, है ना। और इसके अंदर एक सिनर्जिड ख़त्म हो गई, ये एक सेल बची, ये यहाँ पर ट्यूब सेल है, अंदर आ गए हैं सब, ठीक है, और ये सिनर्जिड यहाँ भी ख़त्म हो गई, तो ये ख़त्म होती हुई क्या है, ये सिनर्जिड है क्योंकि टकराने से ख़त्म हो गई, ये ट्यूब न्यूक्लियस परागनलिका ने छोड़ दिया है, ये भी ख़त्म हो गया है, ट्यूब सेल दोनों ख़त्म हो गए। अब बाद में कौन बचे, ट्यूब सेल के पीछे कौन आ रहे थे, दो नर जनन केंद्रक आ रहे थे, दो नर जनन केंद्रक यहाँ पर हैं, ये मेल गैमेट बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पहले से ही सेकेंडरी न्यूक्लियस है ही सही। अब इसमें क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ये एंटीपोडल सेल ख़त्म हो जाती है, ये बची हुई एक सिनर्जिड भी ख़त्म हो जाती है, मतलब तीन एंटीपोडल सेल और दो सिनर्जिड और एक ट्यूब न्यूक्लियस ख़त्म हो चुकी है, अब एक सेल बची और पोलर न्यूक्लियाई बचे हैं। अब पूरे भ्रूण कोश में अपने पास केवल दो तो पोलर न्यूक्लियाई बचे हैं और एक एक सेल बची, बाकी सब खत्म हो गए, और बाहर से आने वाले दो मेहमान छोटे छोटे नर जनन केंद्रक, क्या बोलते हैं, नर जनन केंद्रक यहाँ पर बचे हुए हैं, और ये क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। अब इनका होगा मिलन, क्या होगा, मिलन, ये मिलन ही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक सेल यानी कि अंड कोशिका मिलेगी किससे, एक केंद्रक से, एक केंद्रक से, ठीक है, तो एक मेल गैमेट से यानी एक नरयुग्मक से मिलेगी, ए बी एन है, और दोनों मिलकर बनाएंगे जाइगोट, ठीक है, ये बन गया टू एन, इससे आगे जाके बनेगा भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। ये डेवलप किस में हो जाएगा, एम्ब्रियो में, क्योंकि बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूण। अब बात करें 2n, n प्लस n 7
सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात करें, द्वितीय केंद्रक प्लस वो एक मेल गैमेट जो बचा है शेष, उससे मिलेगा एन से। तो 2N सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, ये दोनों क्या है, ये न्यूक्लियस है ना, तो एन और ये क्या है 2N, तो एन प्लस 2N क्या हो गया 3N। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस एक मेल गैमेट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 3N, और ये बनाएंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म होता है 3N, यानी ये बनाएंगे भ्रूण पोष। और ये भ्रूण पोष किसको पोषण देगा, आगे जाके भ्रूण को पोषण देगा। तो एक सेल प्लस मेल गैमेट, अब यहाँ पर मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, देखो एम्ब्रियोसेक में एंट्री हो गई पराग नलिका की, ट्यूब सेल जो है और एक सिनर्जिड दोनों क्या हो गए नष्ट हो गई। जो एक सेल है जो एन है वो एक जनरेटिव न्यूक्लियस यानी एक मेल गैमेट से मिला, जनरेटिव न्यूक्लियस मतलब मेल गैमेट एन और एन, तो इसको बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, मतलब जायगोट का बनना, यानी 2N जायगोट का बनना किस किस से, एन प्लस एन, एन क्या है एक सेल किसकी है फीमेल की, और एन क्या है एक मेल गैमेट, इन दोनों का जायगोट का बनना क्या कहलाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, सत्य निषेचन। और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस का मतलब 2N मान लिया करो, N प्लस N, वो जब परागनलिका एंट्री करती है ना तो N प्लस N दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं 2N बन जाते हैं, ये बात याद रखना, नहीं तो बोलो सर आपने N प्लस N लिखा, N प्लस N लिखा और 2N बना दिया लास्ट में, तो एंट्री से पहले या एंट्री के बाद कभी भी वो 2N बदल सकते हैं। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड द्वितीयक केंद्रक 2N प्लस एक जनरेटिव न्यूक्लियस N, 3N, 3N हो गया ना, तो तीन केंद्रकों का संलयन है इसलिए इसको क्या बोलते हैं त्रिसंलयन, और इससे बनेगा एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, ठीक है, क्योंकि 2N प्लस N 3N, 3N मतलब तीन केंद्रकों का संलयन, तो इसको बोलते हैं त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन, ये पूछा जाता है। अब देखो एक बार एक सेल मिली एक न्यूक्लियस से, वहाँ बना ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ और वहाँ जायगोट बना, ठीक है, एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस एक जनन केंद्रक से मिला नर वाले से और वहाँ ट्रिपल फ्यूजन तीनों मिले, तो दो बार ऐसा लग रहा है कि दो बार निषेचन हुआ है, ऐसा लग रहा है, तुम्हें भी लग रहा है कि एक एक सेल के साथ एक जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस एंड दूसरा नर जनन केंद्रक किसके साथ 2N के साथ दो बार फर्टिलाइजेशन हो गया। इसी घटना को बोला है डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट डिस्कवर्ड बाय नवाश्चिन, किसने, नवाश्चिन ने डिस्कवर किया है, किस पर, इंपॉर्टेंट लिलियम और फ्रिटिलेरिया के पादप पर, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पादपों में द्विनिषेचन की खोज किसने की है, क्या पूछा गया है द्विनिषेचन, द्विनिषेचन की खोज किसमें पादपों में, तो नवाश्चिन ने किए, किसने किए नवाश्चिन ने, किस प्लांट में किए लिलियम, दो प्लांट थे उनमें किए लिलियम और फ्रिटिलेरिया, फ्रिटिलेरिया लिलियम और फ्रिटिलेरिया पादप पे किए, ठीक है। और याद रखना ट्रू फर्टिलाइजेशन जो बोला है आपने, क्योंकि एक सेल का अंडकोशिका का और एक नरजनन केंद्रक का मिलना जिसके मिलकर जायगोट बना है और जायगोट से भ्रूण बना है, वही क्या है, वही असली वाला निषेचन, वही है भ्रूण पोष बनना, असली निषेचन नहीं है वो, ट्रिपल फ्यूजन है, असली में उसको निषेचन भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक नर केंद्रक उसमें भाग ले रहा है इसलिए उसको बोल सकते हैं कि असली निषेचन मान सकते हैं, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन मानते हैं। तो जो ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद तो क्या बनता है जायगोट, और ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनता है एंडोस्पर्म। यहाँ तक बात समझ में आ गई, अगर कोई भी समस्या हो आपको ये टफ लग रहा हो, ये मैं मेरी मान के चलो सबसे सीधा क्वेश्चन है, जैसे एक बार बहुत बता देता हूँ मैं आपको कि दो नर जनन केंद्रक थे कि नहीं थे, दो नर जनन केंद्रक थे सर, तीन थे, तीन नहीं थे, एक ट्यूब सेल थी वो नष्ट हो गई है, ठीक है, दो नर जनन केंद्रक थे, भ्रूण कोश में एक अंडकोशिका थी, सर उसमें तो तीन एंटीपोडल सेल और दो सिनर्जिड भी थी, नष्ट हो गई, क्या हुई नष्ट हो गई, एक एक सेल याद रखो
वो बाकी नष्ट हो गई। और एक द्वितीय केंद्रक था, आंसर था, बीच में दो न्यूक्लियस थे उसको द्वितीय केंद्रक बोलते थे, 2N सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये था ठीक आंसर। ये तो बचे थे मेल वाले भाग में, बाकी सब नष्ट हो गए थे। ये बचे थे फीमेल वाले भाग में, बाकी सब नष्ट हो गए थे। अब मेल वाले भाग ने पहुंचाए क्या अल्टीमेटली, दो जनन केंद्रक। एक जनन केंद्रक किससे फ्यूज हो गया, एक एक सेल से, क्या बना लिया, जायगोट, कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन। आगे जाके क्या बनेगा, भ्रूण, कंप्लीट। अब बचा सेकेंडरी न्यूक्लियस, अब एक जनन केंद्रक इसमें मिल गया, दो थे ना तो एक इसमें मिल गया, क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष। आगे जाके क्या करेगा, भ्रूण को पोषण देगा, एंडोस्पर्म भ्रूण पोष है तो। और एक न्यूक्लियस एन और दो 2N मिले, 3N, तो इसको क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन बोला यानी त्रिसल्लयन। तो त्रिसल्लयन से क्या बनता है, 3N। एंजियोस्पर्म का भ्रूण पोष जो अपन पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म का भ्रूण पोष याद रखना, क्वेश्चन पूछेंगे, त्रिगुणित होता है क्योंकि वो एक द्वितीय केंद्रक और एक नर जनन केंद्रक से बनता है, जबकि जिम्नोस्पर्म का भ्रूण कोष अगुणित होता है। दोनों बातें भी आपको याद रखना जरूरी है। एंजियोस्पर्म का ज़्यादातर पूछते हैं क्योंकि थोड़ा टफ है हाई, जो अगर एग्जाम एग्जामिनर को गलती करवाना है तो फिर वो जिम्नो का ही, नग्न बीजी और आवर्त बीजियों का, दोनों का पूछ सकता है। अगुणित होता है जिम्नोस्पर्म में, त्रिगुणित होता है एंजियोस्पर्म। अगुणित क्यों होता है, जिम्नोस्पर्म की जब कार्यशैली पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म का मैंने बता दिया, त्रिगुणित भ्रूण पोष क्यों होता है, क्योंकि एक नर जनन केंद्रक और दो केंद्रक किसके, सेकेंडरी न्यूक्लियस के मिलते हैं, ट्रिपल सेलेन। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ये अपना पूरा सिनगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा हो गया। अब अपना बचता है प्लांट का जो पोलिनेशन है वो, इसके अलावा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम असेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको उस टाइम पर भ्रूण कोष याद होना चाहिए, अध्यावरण याद होने चाहिए, एक सेल याद होनी चाहिए, छिनर्जिड याद होनी चाहिए, तब तुम्हें वो एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, एपोगेमी, एडवेंटिसियस एम्ब्रोनी जिसको अवस्थानिक भ्रूणता बोलते हैं, वो सब चीज़ें तब समझ में आएंगी जब आपको पूरा ये दोनों लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, काम पसंद आया हो तो लाइक करो, नहीं आया हो तो कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।